चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। बीते 6 साल में MSP पर धान खरीद का लाभ पाने वाले किसानों की संख्या में 80% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं अगर गेहूं की बात करें तो इसमें 140% की वृद्धि दर्ज हुई है। ये आंकड़े वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में किए गए वादों के बाद सामने आए हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 2021-22 रबी और खरीफ मार्केटिंग सीजन में गेहूँ और धान की खरीद कुल 12 करोड़ 11 लाख टन होने की उम्मीद है, जिससे लगभग 1.63 करोड़ किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा था कि इस खरीद के माध्यम से लगभग 2.37 ट्रिलियन रुपए का MSP मूल्य सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। वित्त मंत्री के दावों के बाद ऐसी चर्चा हुई कि पिछले कुछ वर्षों में खरीद की सीमा में कटौती हुई है और साथ ही लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या में भी कमी आई है। लेकिन FCI के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि 2015-16 और 20-21 के बीच धान से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या खरीद में लगभग 80% की वृद्धि हुई है, जबकि गेहूं की खरीद से लाभान्वित होने वालों में लगभग 140.37% की वृद्धि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।